बोल रहे हैं? जीतेंगे 50,000 से। 50,000 से जीतेंगे? बड़ा कॉन्फिडेंस है आप? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, देखिएगा लड़ा के। 50,000 प्रधानमंत्री आ जाओ, हार जाएगा ये यहाँ से। किस पार्टी से 50,000 से जीतेंगे? कोई पार्टी में आ जाओ, तो निर्दल लड़ेंगे, जीतेंगे। पार्टी क्या माने मुख्तार के आगे? अच्छा, मुख्तार का नाम ही काफी है। तो लोग तो बाहुबली ओली बता रहे हैं। कुछ नहीं, जो बकता है बकने दीजिए। अच्छा, अच्छा। और क्या, हाथी चलती है कुत्ते भौंकते हैं भाई साहब। हाँ, अच्छा, अच्छा। मुख्तार हाथी है, पीछे जितने कुत्ते लगे हैं उसके। हाँ, अच्छा, अच्छा। चाहे कोई हो। अच्छा, अच्छा। आ, पार्टी माने क्या जी? पार्टी तो मुख्तार खुद ही चेहरा ही पार्टी है। यानी मुख्तार ही एक पार्टी? बहुत मुख्तार ही एक पार्टी है, कोई पार्टी है ही नहीं है सिवाय मुख्तार के। अच्छा, उनके में कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। कुछ नहीं तो किस मुख्तार ही दिखता है बस, लग रही है। जो भी जीतेंगे ये नहीं जीतेगा? ये नहीं जीतेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि फिर जीत जाएंगे। लोग कह रहे हैं, कहते कहते होंगे। बहुत अच्छा किया उन्होंने, कोई खराब काम नहीं किया उन्होंने। हाँ, पूरे 15-20 साल में कोई बता दे कोई खराब काम। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। हम आज इस जगह पर हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व जो करता है, कोई उसे माफिया के नाम से जानता है, कोई बाहुबली के नाम से जानता है, कोई मसीहा कहता है, कोई राबिन हुड कहता है, कोई विधायक जी कहता है, कोई भाईजान कहता है, लेकिन वो व्यक्ति एक ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधायक मुख्तार अंसारी की, जो पिछले 2 सालों से काफ़ी चर्चा में रहे। और एक चीज़ बता दें कि जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये मऊ सदर विधानसभा का औरंगाबाद सहन जगह बोली जाती है, और यहाँ पर मुख्तार अंसारी 1996 से लगातार 5 बार विधायक हो चुके हैं। यहाँ पर क्या बातें रहती है, क्या सोचते हैं उनके बारे में लोग कि लगातार 5 बार विधायक है। यहाँ पर और लोग भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला रहा है कि 25 साल से वो विधायक है। जबकि एक और चीज़ बता दें कि वो पिछले 2005 से यानी 17 साल से जेल में भी हैं, वो पर्चा भरने भी नहीं आ पाते हैं, उनके प्रतिनिधि द्वारा पर्चा भरा जाता है और चुनाव जीत जाते हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग और राम निवास नाम है। अच्छा राम निवास जी, यहाँ पर विधायक मुख्तार अंसारी जी हैं लगभग पिछले 25 सालों से है। क्या मामला रहा कि लगातार वो विधायक हो रहे हैं? अब यही तो हमारे भी समझ में नहीं आया, इसलिए कि हम यहाँ के उनके वोटर नहीं हैं। अच्छा। यहाँ के हम बाहरी रहने वाले हैं, हम यहाँ के दुकानदार हैं। अच्छा, अच्छा। जी, लेकिन वो बार बार वही उन्हीं को लोग जिताते हैं। लोग ये लोग बैठे हैं बगल में, बताते क्यों नहीं भाई, बताइए। ये मुख्तार के पक्का आदमी है, बताइए भाई। क्यों भाई, बताइए, कुछ बताइए। देखिए क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या बात है, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम नसीम अख्तर है। नसीम अख्तर जी, यहाँ विधायक मुख्तार अंसारी हैं, लगभग 5 बारों से विधायक हैं वहाँ पर। क्या वजह रही है कि वो 5 बार से लगातार विधायक है, जबकि 3 चुनाव तो उन्होंने शायद लगभग जेल से ही जीता है? क्या बात है, क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? हमको लग रहा है कि ये जो गरीबों के वो लोग कहते हैं मसीहा है, हमको तो नहीं लग रहा है। पाँच मरतबा वो विधायक रहे, मगर मऊ का कोई काम नहीं हुआ। मऊ का काम नहीं, लेकिन जीत जा रहे हैं। जीत जा रहे हैं, उनकी मोहब्बत है। जिसको गाली देंगे उसी को नोट देंगे, जिसको गाली देंगे उसी को और देते हैं यहाँ पे। लेकिन लंबा अरसा 5 बार का विधायक चुनना, क्या देखते हैं लोग मऊ के लोग? जी आपकी ये 6ठी बार होने वाला है, इसको इसमें भी उसी को देंगे सर। 6ठी बार भी चुनाव जीतने वाले हैं जी। क्या नाम पड़ेंगे? शकील अहमद। शकील अहमद जी, क्या हाल यहाँ चल रहा है मुख्तार जी का? ठीक ठाक है एकदम। फिर जीत जाएंगे? हाँ हाँ हाँ। क्या वजह रही है कि वो लगातार जीत रहे हैं? गरीबों का बहुत ख्याल करते हैं वो, बस यही बात। मदद कर रहे हैं। हाँ। कुछ लोग तो उनको बड़ा बाहुबली माफिया क्या क्या बताते हैं, मगर जो है वो गरीब का बहुत ख्याल करते हैं भाई, ख्याल करते हैं। हाँ। इसीलिए जीत जा रहे हैं ये। आपने कभी देखा कि नहीं उनको? हैं आपने? हमने तो जब आ रहे थे तो हमने उनको देखा भाई। अच्छा 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 अच्छा। गरीब को बहुत ख्याल करते हैं। अच्छा, कल्लू के भतीजा है। हाँ, कहाँ घर पड़ेगा? मिरादीपुरा। काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं उससे नहीं है ये। क्या नाम पड़ेगा आपका? इखलाक अहमद। इखलाक भाई, ये बताएं कि 5 बार से विधायक हैं, विकास वगैरह का क्या मामला रहा है मऊ में? देखिए विकास तो सर हमारा MP नहीं कर रहे हैं,
तो एमएलए की कौन हकीकत है? अच्छा अच्छा, एमपी एमपी नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो एमपी को देखे भी नहीं सर, विधायक को तो देखे है। जब जब एमपी का भी नहीं हो रहा है तो विधायक की क्या हकीकत है? वो तो बड़ी विडंबना है यहाँ की कि यहाँ के जो 2019 में लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए अतुल राय जी, वो पर्चा भरने के दूसरे दिन से ही फरारी काटने लगे और बाद में उनको सरेंडर करना पड़ा। इनकी बात सही है कि वह सांसद को बहुत लोग नहीं देख पाए होंगे, नहीं देख पाए होंगे, तो विकास वगैरह का क्या पैमाना? यहाँ विकास कहाँ से क्या होगा भाई सर? आपस में आप कलमनाथ रायगराज कुल रुका किस बात विकास उसी के पास से अच्छा। पहले भी नहीं बना था। क्या नाम पड़ेगा? शौकत अली। शौकत भाई, ये बताएं कि इस बार क्या माहौल रहा? माहौल तो अंदाज लगता है कि वही जीतेगा मुख्तार, अंदाज लग रहा है हमको। सपा का माहौल है, सपा से जो टिकट पाएगा वो जीतेगा। तो मुख्तार तो अभी सपा में है नहीं? अरे नहीं है तो नहीं है, जो सपा से आएगा वो आएगा जीतेगा। सपा से जो आएगा वही जीतेगा, अगर मुख्तार सपा से नहीं आते हैं तो नहीं जीतेंगे। मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल, यानी सपा का ही उम्मीदवार जीतेगा। सपा का उम्मीदवार जीतेगा। अच्छा अच्छा, ये है। अच्छा अच्छा, सच्चाई यही है कि सपा का जो उम्मीदवार है, सपा से अगर कोई उम्मीदवार अगर उनके पास आ जाएगा तो फिर दोबारा भी जीत जाएंगे वो। हम चल आ जाए तो वो भी जीते जाएंगे। अच्छा, यानी सपा, यानी आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी से जो आ जाएगा वो। एक बात बताएं अखलाक भाई, एक बड़ी चर्चा चल रही है हिंदुस्तान की राजनीति में, एक भाई जान आए हुए हैं, नाम जान गए होंगे, भाई जान से ही लोग जान जा रहे हैं, हैदराबाद से एक भाई जाना है, क्या असर रहेगा? देखिए असर तो भाई रघुवा सवाल की कहने का मतलब कि सब कोई अपने अपने तरफ खींच रहा है। सब कोई अपने तरफ खींच रहा है तो जाहिर बात है को जो अपना है तो अपना ही खींचेगा। अच्छा अच्छा, वो तो असर रहेगा। तो फिर क्या समाजवादी पार्टी का मामला कैसे चढ़ेगा? चढ़ेगा ना, चढ़ेगा। देखिए ऐसा है ना सर, अगर भाई जान, अगर भाई जान का जादू चल गया तो चल गया, तो चलेगा तो क्या फायदा होगा? हम जानते को जीतेंगे नहीं। अच्छा, अच्छा। लेकिन वो जो जीतेगा उसी को हम जिताएंगे। अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से जो जीतेगा उसी को, और आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी जीतेगा? समाजवादी है। समाजवादी, हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? नहीं हम इसलिए नहीं। अरे भाई बताइए भाई, लोकतंत्र में बोले यार, बोले यार से क्यों भागते हैं? अच्छा आप आइए, आप आइए, आप क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? कलाम नाम है। कलाम नाम है, कलाम साहब, ठीक है, बड़ा ऊंचा नाम है। इस नाम से पूरी देश को पहचान भी मिली पूरी दुनिया में। यहाँ पर मुख्तार अंसारी 5 बार से विधायक है, 6वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस बार क्या माहौल रहेगा? अभी क्लियर हुआ है कहा कि लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे ही जैसे लग ही रहा है। तो वैसे अब हम उनके बारे में तो हम नहीं बता सकते, पहले दे रहे थे, अब नहीं दे रहे हैं तो हम क्या बताएं? अब पहले देते थे, अब नहीं देंगे? नहीं अब नहीं दे रहे हैं, कई मर्तबा से नहीं दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या जिसकी पोजीशन रहती है उसको दे देते हैं। अच्छा, और जैसे पिछली 5 चुनाव से वो लगातार लड़ रहे हैं, आखिर क्या क्या उनके में खूबी दिख रही है? खूबी की वो तो अलग चीज़ है। हाँ खूबी है, अब कुछ लोग वैसे दे देते हैं, जैसे मान ले मुसलमान है ना। अच्छा, अब जेल में है। अच्छा, अब जेल में है, अब किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं तो बहुत से लोग हमदर्दी में। हाँ हमदर्दी में। हाँ हाँ हाँ, इस बार लड़ेंगे तो क्या हाल रहेगा? अब देखो हमदर्दी अब की पारी नहीं है। अच्छा, अब ये सोच रहे हैं कि जो जीतेंगे उसी को जिता देंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि अब समाजवादी को ढेर चाह रहे हैं। समाजवादी को, यानी अगर समाजवादी से वो आते हैं तब जीतेंगे। हाँ मतलब हुकूमत बदलना चाहते हैं लोग। अच्छा अच्छा, हुकूमत भी बदलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई, विधायक मुख्तार अंसारी यहाँ से 5 बार लगातार विधायक, 6वीं बार उनकी तैयारी है, अभी उम्मीदवार भी कोई तस्वीर क्लियर हुई नहीं है लेकिन तैयारी है, क्या माहौल रहेगा? उम्मीद कम है जीतने की उनकी। किसके जीतने की उम्मीद लग रही है? जो भी जीतेंगे ये नहीं जीतेगा, ये नहीं जीतेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि फिर जीत जाएंगे, लोग कह रहे हैं कहते होंगे। अच्छा, आपके हिसाब से उनकी एक जो छवि पेश की जा रही है ना, मैंने शुरू में इंट्रो में ही बताया कि एक ही आदमी को माफिया भी कहा जाता है, बाहुबली भी कहा जाता है, मसीहा भी कहा जाता है, रॉबिन हुड भी कहा जाता है, विधायक जी भी कहा जाता है, भाईजान भी कहा जाता है। आप किस नज़रिए से उनको देखते हैं?
आप किस नजरिए से देखते हैं, मसीहा, रॉबिन हुड, बाहुबली या माफिया? इंसान हम किसी नजर से भी नहीं उनको देखते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन इस बार चुनाव हार जाएंगे? वो हार जाएंगे। अच्छा अच्छा, किसी पार्टी से? हमें किसी भी पार्टी से आते हैं तो किसी भी पार्टी से हमें किसी भी पार्टी से आएंगे चुनाव हार जाएंगे? वो हार जाएंगे। अच्छा अच्छा, इस बार वो नहीं जीतेंगे। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आप? आशिक अली। आशिक अली, आइए आगे आइए। क्या काम करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा हाँ, पूरा ही तो पर्स वर्स बड़ा ठीक ठाक है। विधायक मुख्तार अंसारी जानते होंगे? हमारे घर के हैं तो जाने। घर के हैं? यूसुफपुर घर है क्या? नहीं, यूसुफपुर हम रह चुके हैं 4 साल 5 साल। वहाँ जानते हैं उनको हम अच्छी तरह से। आशिक अली जी, बताइए कि उनको कई नाम की संज्ञा दी जाती है, माफिया भी कहा जाता है, बाहुबली भी कहा जाता है, कुछ लोग मसीहा भी कहते हैं, रॉबिन हुड भी कहते हैं। हर लोगों का अलग अलग दिमाग है। आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो भाई समझता हूँ मेरे भाई हैं। भाई बिल्कुल। अच्छा, कौन वाला भाई किसको मारे हैं वो? अच्छा अच्छा, नहीं किस गरीब को मारे हैं वो? मारे हैं जालिमों को, जो उसके पीछे जो पड़ता है उनको मारे हैं, उनसे झगड़ा है। किसी गरीब से, किसी मजबूर से झगड़ा नहीं है। हैं मजबूर को, गरीब को मदद किए हैं, किसी का लिए नहीं है, दिए हैं। समझ गए आप? यानी वो जो एक उनको नाम दिया जा रहा है बाहुबली और माफिया का, वो गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। कौन बोलता है माफिया है? कौन बोलता है? बोला तो वो जो माफिया जो भाजपा में है। हाँ। कितने हम भाजपा में माफिया? अच्छा। भाजपा में कितने माफिया है? 100% माफिया है। अच्छा, 80%। अच्छा। हैं वही नेता बने हुए हैं। और गरीबों को अगर मैं किसी जो सही आदमी है उसको लेके जेल में ढक ठूस देते हैं, चाहे आम आदमी भी जेल में डाल देते हैं, आम आदमी को डाल देते हैं। उनको छोड़िए, आम आदमी को जो चलते फिरते आदमी है उनको कुछ ही केस में डाल। बताइए आशिक अली जी, अगर इस बार चुनाव लड़ते हैं तो क्या माहौल रहेगा? जीतेंगे 50,000 से। 50,000 से बिल्कुल जीतेंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस है आप? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, देखिएगा लड़ा के। 50,000 प्रधानमंत्री आ जाओ, हार जाएगा यहाँ से। किस पार्टी से 50,000 से जीतेंगे? कोई पार्टी में आ जाओ। अच्छा, वो देहात से वोट घिसते हैं, देहात के उनके चाहने वाले हैं। अच्छा, शहर से में भी चाहने वाले हैं, ये बात नहीं है। शहर में थोड़ा कम है, देहात में 100% है। अच्छा अच्छा, यानी जीत जाएंगे 50,000 वोट से। फिर मिलेंगे हम 10 मार्च को? मैं यही घर है मेरा, यही घर। 10 मार्च को मिलेंगे हम? बिल्कुल मिलिए। यहाँ तो कई लोग कह रहे हैं कि हार जाएंगे बहुत बुरी तरह से। दिमाग है उनका। अच्छा, जब आज जब समय आ जाएगा ना, सबका दिमाग फिर जाएगा। अच्छा अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हम नहीं बोल सकते। अच्छा आप बताइए क्या नाम पड़ेगा? नौशाद फरहान। अच्छा नौशाद जी, विधायक मुख्तार अंसारी यहाँ से लगातार 5 बार विधायक, कुछ क्वालिटी रही होगी क्या तभी तो 5 बार से? कुछ तो उनके अंदर राजनीति का गुण होगा जरूर। क्या क्वालिटी आपने देखा? हमने तो नहीं देखा, हमने उनके बारे में कुछ कहेंगे भाई, जिसको पसंद है अपने भी पसंद होते हैं। अच्छा अच्छा, मैं तो समाजवादी वाले हूँ मैं। अच्छा हाँ, यानी आप समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी ने भी कभी कभी समर्थन किया हो? हाँ किया है, शुरू में किया है। वोट दिया आप? हाँ दिया। इस बार आप समाजवादी पार्टी से आएंगे तब वोट देंगे? हाँ तब देखा जाएगा, अभी कोई नहीं आएंगे तो नहीं। अब वो तो वक्त बताएगा। अच्छा अच्छा, उनका एक कई नाम दिया जाता है ना, बाहुबली भी कहा जाता है, माफिया भी कहा जाता है, कुछ लोग मसीहा कहते हैं, कुछ लोग रॉबिन हुड कहते हैं। आप मऊ शहर के बासिंदे हैं, आप किस नजरिए से उनको देखते हैं? नेता के बस देख रहा हूँ और कुछ नहीं देख रहे हैं उनके बारे में। माफिया कुछ? हाँ नेता है, नेता। अच्छा हाँ नेता है, नेता है, बहुत बढ़िया नेता है। नेता है, ढंग है उनको राजनीति करने का। अच्छा, राजनीति ढंग है, यानी मजा है, नेता मानते हैं? नेता है, बाकी और कुछ नहीं? और कुछ नहीं, बस और क्या चाहिए, बस नेता और क्या। तो इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल तो समाजवादी का रहेगा यूपी में। बड़ी असमंजस स्थिति बनी हुई उनकी, मुख्तार अंसारी की, किस पार्टी से आएंगे, किसके उम्मीदवार होंगे? अब तो वक्त ही बताएगा ना, अभी क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, अब हम कैसे बता सकते हैं? अच्छा, देखिए आने वाले वक्त में। अच्छा, आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक, जो और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा? इरशाद अहमद। दिलशाद भाई, मुख्तार अंसारी यहाँ से 5 बार विधायक हैं। जी बिल्कुल, 6वीं बार की भी संभवतः तैयारी है। बहुत तैयारी है, बिल्कुल जीतेंगे। जीतेंगे भी? एकदम जीतेंगे, विधायकी के हकदार हैं वो यहाँ के। अच्छा अच्छा, उनके अलावा है का कोई नेता? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि क्या आप उनकी छवि किस रूप में से देखते हैं?
एक अच्छा नेता हैं, नेतृत्व करते हैं, राजनीति उनको बहुत अच्छी आती है। सरकार द्वारा तो उनको माफिया, बाहुबली क्या क्या कहा जाता है? वो कहने के लिए तो हम पूरे मुसलमानों को कुछ न कुछ कहा जाता है, वो तो थोड़ा सा आगे हैं तो कह दिए तो क्या कहे। अच्छा अच्छा, हम वो बस मुसलमान के नाम पर अजय सिंह को क्यों नहीं कहते हैं माफिया, अजय सिंह को क्यों नहीं बाहुबली कहते हैं, राजा भैया को क्यों नहीं कहते हैं? वो तो सिर्फ एक मुसलमान है तो उसको जो नाम दे दिया जाए सब कम है। ये तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है और हिंदुत्व के नाम पर वोट उनको मिलता है, इसलिए उनको अलग अलग नाम देकर अपना वोट बटोर रहे हैं। यानी सर, आपके कहने का मतलब सरकार जो है धार्मिक ध्रुवीकरण का जो मामला तैयार करती है उससे इनको टारगेट बनाया जा रहा है? बस बस, और कोई वजह नहीं है, बाकी उससे कम कौन है। विकास वगैरह दिखा यहाँ का है? विकास विकास बहुत अच्छा किया उन्होंने, कोई खराब काम नहीं किया उन्होंने। हाँ, पूरे 15-20 साल में कोई बता दे कोई खराब काम। ये तो सब मुखालिफ लोग तो अपना बयान देवे करते हैं। और का आपके हिसाब से फिर चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल, अब जीतने के लायक हैं वो। और क्या, आइए चाचा आइए। क्या नाम है आप? मोहम्मद इजीश नाम है। कितनी उम्र होगी आप? 65। तो माशाल्लाह ठीक है, अभी 65 में आप विधायक मुख्तार अंसारी हैं यहाँ पर। हाँ, 5 बार से हैं, छठे अरे फिर रह जाएंगे। पूछना इस पहले ही बता दे रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं। किस पार्टी से लड़ेंगे है? किस पार्टी से लड़ेंगे? अरे चाहे अपनी आजाद से लड़े या करे मतलब अंग्रेज के साथ लड़े, जैसे भी लड़े मतलब जीतेंगे। बिल्कुल, विकास वगैरह दिखाओ? विकास तो है ही है, गरीबों का मसीहा है। मसीहा? और वो जो कहा जाता है बाहुबली माफिया, ये तो कहने के लिए सरकार जो चाहे जिसको कह सकती है। अच्छा, बदलाव किया जाता है। अच्छा अच्छा, मसीहा। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं, गरीबों का निगाबान है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? फजलुर रहमान। फजलुर रहमान साहब, क्या हाल रहेगा मुख्तार अंसारी का इस बार चुनाव में? देखिए किस पार्टी से उठते हैं, मगर जीतने का वही लायक हैं। जीतने को वही लायक हैं, कोई मुकाबले में है ही नहीं है। ऐसा नहीं ना कि डर और के बता रहे हैं? नहीं, डर किसकी डर है, वो भी इंसान, हम भी इंसान। कुछ लोगों का आरोप है कि डरवा के भी, डर के भी लोग वोट दे देते। नहीं, डर कोई मामला नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई नहीं। मतलब फिर आप कह रहे हैं कि जीत जाएंगे? हिंदू मुस्लिम सब उसके साथ हैं, सब देते हैं। इसलिए किसी को कोई जरूरत रहती है जाता है वहाँ पे। बीमारी हो चाहे लड़की की शादी हो, जाते हैं वहाँ पर, दरबार खुला रहता है। क्या नाम है आप? मेहताब आलम सर। मेहताब भाई, विधायक मुख्तार अंसारी हैं यहाँ पर तो 5 साल से हैं, 5 बार से। छठी बार क्या हाल? छठी बार में 7वीं बार भी जीतेंगे वो। बार मरने के बाद एक बार जीतेंगे लड़के, और क्या समझ रहे हैं? मरने के बाद भी एक बार खाली उनके नाम से उसका बच्चा जीतेगा। अच्छा, और क्या, कि मुख्तार का लड़का है वो। देखिए 6वीं बार चुनाव होना है और महताब जी का इतना कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा कि वो 7वीं बार भी जीतेंगे और 8वीं बार में उनका लड़का भी जीतेगा उनके नाम पर। एकदम फुल कॉन्फिडेंस। पार्टी कौन सी रहेगी? पार्टी, अरे वो निर्दल लड़ेंगे जीतेंगे, पार्टी क्या माने मुख्तार के आगे? मुख्तार का नाम ही काफी है। लोग तो बाहुबली ओली बता रहे हैं। कुछ नहीं, जो बकता है बकने दीजिए। अच्छा, और का, हाथी चलती है कुत्ते भौंकते हैं भाई साहब। अच्छा, मुख्तार हाथी है, पीछे जितने हैं कुत्ते लगे हैं उसके। अच्छा, चाहे कोई हो। अच्छा, पार्टी माने क्या जी? पार्टी तो मुख्तार खुद ही चेहरा ही पार्टी है। यानी मुख्तार ही एक पार्टी है? बस मुख्तार ही एक पार्टी है। अच्छा अच्छा, फिर छठ तो एडवांस, एकदम एडवांस, अभी मरने के बाद एक बार जीतेगा वो। चाचा क्या नाम पड़ेगा आप? हमारा 1 लाख अहमद है। 1 लाख भाई, क्या हाल रहेगा यहाँ चुनाव में? वही मुख्तार जीतेगा, मुख्तार के साथ दूसरा कोई जीत नहीं पाएगा। ऐसा नहीं ना कि सब लोग मुख्तार उख्तार के हैं तो कहीं डर हो रहे हो कि खबर पहुंच जाए जेल ओल में कि? अरे यार जेल की क्या बात है, जेल में जा नहीं रहता है, जेल में तो हर दम जाते हैं हम लोग। नहीं जैसे कभी कभी होता है, लोग कहते हैं कि डर और के भी लोग बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या क्वालिटी देख के आप मुख्तार को वोट दे? मुख्तार को यहाँ कोई पार्टी है ही नहीं है सिवाय मुख्तार के।
अच्छा, नहीं उनके में कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं तो किस मुख्तार ही दिखता है बस। मुख्तार में कुछ अच्छाई दिखी होगी तब तो आप वोट दिए होंगे। अच्छाई कौन सी, जेल में है फंसे हम लोग, छुड़ाने के लिए उसके कर रहे हैं कि भाई कहने हो सकता है जीत जाए तो छूट जाए। अच्छा अच्छा, अभी तो छूटे नहीं है। अच्छा अच्छा, यानी बंद है उसको छुड़वाने के लिए ही। अच्छा इसीलिए, यानी आपके हिसाब से फिर जीत जाएंगे? फिर जीतेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जीतेंगे। जैसा हमने कहा कि इस वक्त मऊ विधानसभा के औरंगाबाद सहन में मौजूद हैं, और तुमने तमाम लोगों से बात की और तमाम आपके अपने दावे रहे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि मुख्तार यहाँ का मसीहा है और तमाम बाहुबली की भी छवि दी जाती है, माफिया की भी छवि दी जाती है। यहाँ लोगों ने मसीहा भी बताया, मदद करने वाला भी बताया, और कहा कि ये चुनाव बिना उनके हटा कर ये चुनाव यहाँ का नहीं हो सकता है, और इस तरह ये छठवां बार भी, छठवें चुनाव में भी मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं यहाँ प्रभावी रहेंगे। इसी तरह की चुनावी अपडेट के साथ कैमरामैन अजहान आलम के साथ मैं शनू आजमी मिलता हूँ किसी अगले पड़ाव पर। धन्यवाद।